नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त गेमर्स काय और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस वॉक थ्रू में जिसका नाम है पोकेमॉन फायर एश वर्जन। पिछली बार हम लोग यहां रूट 11 पर आ चुके थे और आज हम हमारी जर्नी यहीं से कंटिन्यू करेंगे और लेट्स सी क्या होता है। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स में बता दिया है कि बिंदास बैटल स्किप कर दो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको भी, तो आज मैं वही करूँगा। तो लेट्स सी क्या होता है। पोकेमॉन मिनी, आई मीन पोकेडेक्स मिनी, पोकेमॉन मिनी में फिल अप है ना सब लोग। ओके टपाटप, चलो फिर पहला बैटल में भी। अरे एक वैसे इग्नोर मत करो यार, यप पहला बैटल एकदम इजी बैटल, एक बैटल तो हो गया मेरा कम से कम। अच्छा है स्किप वाला आइडिया देने के लिए, बहुत शुक्रिया। ओके यहाँ पर तो कुछ नहीं है सिर्फ एक ही ट्रेन, तो चलो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर थोड़े खतरनाक ट्रेन दिखाई देते हुए और पकड़ लिया मुझे। ओके एक और इजी बैटल, एस्केप रोप द हिडन आइटम मिला है मुझे यहाँ पर, मगर अभी फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। क्यों, मेरा चार्मेंडर हो गया है पॉइजन, जी से भागता हूँ ना तेज। चलो 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 चार्मेंडर में बी। ओके फेडेड अवे, ओके वन एच पी सर्वाइव। फिर दो हफ्ते हो गए मैंने फायर एश का रिकॉर्डिंग किया नहीं, दो हफ्ते जॉय पर भी नहीं चल रहे मैंने। छः एपिसोड मैंने छः दिन में रिकॉर्ड कर लिए जब मैं शुरू करने वाला था उससे पहले, फिर मैंने सोच लिया कि डेली पॉसिबल नहीं होगा अपलोड करना, तो मैंने जाने दो। फिर वैसे देखा जाए तो फिर दो हफ्ते की वीडियोस तैयार है, और फिर मैं दो दिन के लिए ट्रिप पर गया तो वो एक दिन का और पोस्टपोन्ड हो गया। फिर तो एक लक मेरे साथ था मेरे वो थोड़े सीरीज। एक और बैटल, एक और इजी बैटल, डीएमओ नाइन वेनो शॉक, दैट्स नाइस। ओके तो ये कहाँ पर जाता है, लेट्स सी अंडरग्राउंड पाथ। तो ये लीड कहाँ पर करेगा मुझे, अब बंद है मतलब, पर मतलब अरे क्यों हॉर्न मार रहा है बे, वो डायरेक्टली रूट 8 पर लेके आया, ये सेलोडॉन वाला है मतलब। फिर फिलहाल नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा वो पहले एरिया देख कर आता हूँ कि मैं बजे बराबर जा रहा हूँ कि नहीं। जरा पैचअप क्रैश से संभाल कर, और एक बैटल वाइल्ड सेंचुरी, मैं तो रन कर गया वहाँ से। ओके वी सेव द गेम, ऑफिशियली भी सेव कर देता हूँ क्योंकि बटल फ्री को शायद छोड़ने का समय आ चुका है दोस्तों, हमारे बटल फ्री को अलविदा कहने का समय आ चुका है। बाय बाय बटर फ्री। ओ ग्रेट बॉल मिला, थैंक यू। ओ एक बैटल, मस्त बैटल हुआ, इनसे बात करते हैं मे बी यही हमें हेल्प करेगी। इफ यू लुक आउट देयर यू कैन सी इज द बटर फ्री मेटिंग सीजन, इफ यू वुड लाइक आई कैन रिलीज योर बटर फ्री इन टू द बाय फॉर यू, इफ यू एवर वॉन्ट बटर फ्री टू फाइंड मेट ब्रिंग देम टू मी आई कैन हेल्प। मेरे पास है ना बटर फ्री, क्या उसको अपन फ्रंट रखो तो ही तुम उसकी हेल्प करोगी। लेट्स सी, ओ यू हैव वन, वुड लाइक टू रिलीज इट, यस बटरफ्ली विल बी वेरी हैप्पी। गई क्या नहीं मेरी बटरफ्ली, बटरफ्ली बाय बाय। अच्छा ऐसे ही क्या गया, खत्म हो गया सीजन, बात तो नहीं कर सकता हूँ मैं मतलब। अच्छी जब बटरफ्री तो जा चुकी है, बाय बटरफ्री। ऐसे है ना आपके साथ भी ऐसे हुआ ना एकदम इजीली। और एक और बैटल सेंशु, सेंशु आपके साथ भी इजीली हुआ ना ऐसे, मतलब आपने भी ऐसे रिलीज किया ना बटरफ्री, तो कुछ अलग था आपके लिए, जरा मुझे बता देना चेंजेस। अरे क्यों हॉर्न मारता है बे, क्या मिलेगा तुझे हॉर्न मारकर, इतना का रास्ता। चलो तो बैटल तो कर लेता हूँ मैं, मुझे क्या लगता है साइंटिस्ट मैग्नामाइट वगैरह यूज करने वाला है। लेट्स ओके बैटल तो इजली हुई, मगर चार्मेंडर मेरा समय फेंट हो गया। खैर कोई बात नहीं, जाना कहाँ है, टाउन मैप तो है नहीं।
यहाँ पर कौन सा टाउन है? यू आर अ ट्रेन राइट? आई एम नॉट सपोज टू लेट यू पास, बट इफ यू कैन बीट सबरीना आई शैल लेट इट स्लाइड। ओके, मतलब यहीं पर मुझे कुछ तो टाइम पास करना होगा फिर। ओके, एक और ट्रेनर। ओके, मैंने हारा तो दिया है इसको। मैं जरा पीछे वापस जा रहा हूँ, वर्मिलियन जरा हील करके आता हूँ, मैं 2 मिनट रुकिए। ओके, मैं वापस आ चुका हूँ हील करके। तो यहाँ पर ना एक्चुअली ना बैटल्स थोड़े डिफिकल्ट हो रहे हैं। मैं आपको चाहे एक नमूना दिखाता हूँ। लेवल्स देखिए, तो मे भी मुझे डेफिनेटली पहले भी सैफ्रॉन सिटी जाना पड़ेगा, बाद में लेवेंडर टाउन जाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं बैटल करके आया। बैटल तो इजी जा रहे हैं, मगर डिफिकल्टी कम नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से मुझे वही करना चाहिए तो मैंने बोला था आपसे। पहले मैं जाकर सैफ्रॉन देख लेता हूँ। सैफ्रॉन सिटी तो आ चुका हूँ मैं ऑफिशियली। चलो ज़रा घूम लेते हैं। मार्ट में तो कुछ परचेस करना नहीं है मुझे, क्योंकि सब ऑलरेडी स्टॉक अप्ड है। मैंने सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले वही देख लिया, बैकपैक में सब कुछ स्टॉक अप है ना, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया गेम रिकॉर्ड करना। खाली फुकर मैं बार बार जाऊंगा मार्ट में। और हमारा पोपट, अरे ब्लॉक कर दिया क्या? सैफ्रॉन पोकेमॉन कॉन्टेस्ट हॉल तो फिलहाल तो नहीं होगा ना, वो बैटल फ्रंटियर तो बाद में है। All kinds of stuff. Okay, save the game. Sylph Company office building. बाद में देखेंगे Sylph Company. लाल मुझे अभी heal up. भाई इससे बात करने से पहले ना सेव करना पसंद करूंगा, सब कुछ भरोसा नहीं। कहीं भी टेलीपोर्ट कर देती है ये लड़की। यहाँ पे शायद मिस्टर साइकिक हाउस है ना इधर। TM29 साइकिक, थैंक यू। वैसे भी जरूरत नहीं है, कौन कौन यूज करेगा साइकिक। सैफ्रॉन सिटी पोकेमॉन जिम लीडर है सबरीना द मास्टर ऑफ साइकिक पोकेमॉन फाइटिंग डोजो। आई विश आई कुड। ओके, सैफ्रॉन सिटी द शाइनिंग गोल्डन लैंड ऑफ कॉमर्स। मिमिक, ओके, कॉपीकैट। एक बार देख लेता हूं कैसी है ये मिमिक छोरी। अरे रुक जाओ ना, नहीं चाहिए मुझे मूव। रोल प्ले, ओके, ये क्या है? मैग्नेट ट्रेन, नाइस। फिलहाल तो कुछ काम की नहीं है। अरे रुकना, गोल्डन रॉड से भी जाने के लिए काम में आ सकती है बाद में, फिलहाल नहीं। फिलहाल सिर्फ एक्सप्लोरेशन है यहाँ पर। ओके, ये कहाँ पर लेके जाएगा मुझे? आई एम सॉरी बट आई कांट लेट यू पास जिम लीडर्स ऑर्डर्स। ओके, यहाँ पर तो मैं जा नहीं सकता हूँ। व्हाट अबाउट नॉर्थ साइड? यप, यहाँ पर भी नहीं। जिम लीडर कौन से जिम लीडर? यही सिटी की जिम लीडर या कोई और? साउथ साइड देख लेता हूँ मैं। यप, यहाँ पर भी नहीं जा सकता मैं। ये कौन सा खंडर है यहाँ पर? ओ, द पाथ इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। वाह, नाइस 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 नाइस। चलो सिर्फ सिर्फ बिल्डिंग और अपना जिम इतना ही बाकी। मास्टर बॉल मिल गया है मुझे। यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस द बिल्डिंग। मुझे क्या, मुझे मास्टर बॉल मिल गया, मुझे यही चाहिए था। TM90 सब्स्टिट्यूट, थैंक यू।
बात करो दोस्तों, आपको भी ये चीज़ें मिल जाएगी। चलो चलते भी जिम की तरफ। आई होप जिम ट्रेनर्स ना हो और वो पजल ना हो। हाँ पजल है ही। सबरीना इज अ साइकिक टाइप पोकेमोन। दे आर वीक अगेंस्ट द बग घोस्ट डार्क टाइप्स। दे आर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट फाइटिंग एंड पॉइजन। साइकिक एंड फाइटिंग मूव्स ऑल्सो डोंट डू मच डैमेज। ओके साइकिक एंड फाइटिंग। आई थिंक बल्बसौर के पास बाइट है ना। यप बल्बसौर तुम हो आज के ये। ये आया मैं बैटल करके। ओके बहुत ही खतरनाक बैटल है। एक और बैटल भाई। मैं तो चला यहाँ से चुपचाप ट्रेन करने के लिए। मैं थोड़ा ट्रेनिंग करके आता हूँ, जरा दो मिनट दीजिए मुझे। मतलब एक्चुअल में दो तीन दिन लगेंगे, मगर यहाँ पे डायलॉग मारने के लिए दो मिनट दीजिए। ओके मैं आ चुका हूँ दोस्तों लेवलअप करके। एक्चुअली मुझे लगे दो दिन लेवलअप्स के लिए। थैंक्स टू डेकर। सारे पोकेमोन अभी 30 पर है। कुछ नए नए मूव्स भी सीखे, कुछ पुराने पुराने मूव्स चले भी गए हैं। पिकाचू को तो मुझे ट्रेंड अप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट 30 पर था। चार्मेंडल के पास अभी फायर फैंग, ड्रैगन रेज, फ्लेम थ्रोअर और फ्लेम बर्स्ट है। पिजियोटो के पास है फेदर डांस, क्विक अटैक, गस्ट और ट्विस्टर। स्क्वर्टल के पास है बबल बीम, एक्वाटेल, वाटर पल्स और बाइट। और बल्बसौर के पास है ग्रोथ, डबल एज, स्लच बॉम्ब और लेजर। मेरे ख्याल से अभी बाइट और थंडरबोल्ट फिलहाल काम में आएगा। लेट्स सी आज क्या होता है, हम हरा पाते हैं कि नहीं सबरीना को। हमने इसको चैलेंज किया था। मेरे पास अभी मैप, मैंने चार्ट ड्रॉ करके रखा है कैसे सबरीना तक जाना है हम लोग को। हमने इस बंदे को चैलेंज कर दिया था, फिर हम यहाँ पर गए थे और इन छोकरे को भी हरा दिया था। तो हम एक्चुअली अभी पूरा एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके। मेरे पास यहाँ पर नंबर्स भी लिख के रखे हैं मैंने। मुझे मालूम है किसको किसको मैं चैलेंज करने वाला हूँ। तो इनडायरेक्टली एक और बैटल। ओके दोस्तों डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, बहुत बैटल्स डिफ़िकल्ट हो रहे हैं। खतरनाक मतलब एक नंबर ही खतरनाक बैटल्स हो रहे हैं। कहाँ पर जाना है बे? हील करके आता हूँ मैं ज़रा, दो मिनटों को ज़रा मैं हील करके आता हूँ। ओके हील अप करके तो आ गया हूँ। मैं भी ट्राई करूँगा दोस्तों, मैं ज़्यादा अभी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे पोकेमॉन्स को अभी इनको हराना, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले हराऊँ सारे जिम ट्रेनर्स को और फिर रूट एक्सप्लोर कर लूँ बिटवीन सैफ्रॉन टू लैवेंडर, और फिर वो होने के बाद ही मैं यहाँ पर आगे चैलेंज करूँ ताकि मेरे पोकेमॉन थोड़े बहुत लेवल अप हो। फिलहाल ये बैटल पर फोकस करते हैं। ओके ये बैटल थोड़ा ईजी हुआ। क्यों? क्योंकि उसने यूज़ किया हंटर। ठीक है ये भी थोड़ा इजी बैटल था। ओके ओके पाँच छः, ये कहाँ पर आता है? ओके ये बीच का ट्रेनर, दो ही ट्रेनर बाकी है सिर्फ। ओके ये भी ट्रेनर हो गई, अभी सिर्फ एक ट्रेनर बाकी है अभी, और वो ना नंबर 8, ये नंबर 7। ये भाई साहब से तो बैटल हो गई थी हमारी। नंबर 13 है क्या इधर की तरफ? हाँ ये रहा 13, ये फाइनल बैटल। ओके एक और बैटल हो गया, अभी सिर्फ बाकी है सबरीना। मैं सबरीना के सामने ही हूँ फिलहाल। मैं पहले हील कर लेता हूँ। आई थिंक मेरे पास पोशन फिशंस है, 5-5 है, ठीक है। और सुपर पोशन लगेंगे मुझे एक्चुअली। हाँ बस इतना कॉफ़ी कॉफ़ी। ओके रेयर कैंडी भी अभी नहीं यूज़ करूँगा फिलहाल, इतनी इमरजेंसी नहीं है क्योंकि एक्चुअली हम डे केयर से लेवल अप कर सकते हैं, तो काहे के रेयर कैंडी यूज़ करने की। चलो चैलेंज करते हैं अभी सबरीना को। ओ यू वांट टू बैटल, फाइन बट डोंट से आई डोंट वांट यू। ओ ओके पिका, अच्छा एक ही पोकेमोन है। चलो पिका इस पार या उस पार, फिर मुझे फिर से ड्रैगन रेज के साथ जाना पड़ेगा। ओके एब्रा लेवल 28, एक थंडरबोल्ट। कंफ्यूज मत कर, सिर्फ कंफ्यूज मत कर। थैंक यू थैंक यू। यू हैव पोटेंशियल बट यू आर नॉट गुड इनफ येट। कम बैक आफ्टर यू बीट पोकेमॉन टावर इन लैवेंडर टाउन, देन आई विल बैटल सीरियसली। व्हाट
You thought I was going to give you the badge? Haha, don't be silly. Come back when you beat Pokemon Tower, okay? ये भी मुझे entrance पे लेके जाएगा. Sabrina uses psychic type Pokemon. They are weak against the bug, ghost and dark types. They are strong against fighting and poison. Psychic and fighting moves also don't do that much damage. Okay, मुझे Pokemon Tower जाने के लिए कहा है. Definitely जाऊंगा. मुझे इधर से ही जाना है. तो जरा 2 मिनट रुको, मैं जरा हील करके आता हूँ. ओके, हिलअप करके तो आ गया हूँ. एक्चुअली बाकी कुछ हिलअप नहीं करना था, एचपी तो कुछ गई नहीं थी, मगर पीपी तो रिस्टोर करना पड़ता है ना. तो चलो कंटिन्यू करेंगे बैटल्स. और मैं भी यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स थे पॉइजन टाइप, तो हम जाएंगे हमारे फायर टाइप के पास. इसके साथ मैंने बैटल के नहीं ना. ओके, एकदम ईजी बैटल. सिर्फ उसके क्राइमर ने मुझे कर दिया था कन्फ्यूज. कन्फ्यूज क्या बोलता हूँ, पॉइजन. तो वो थोड़ा मुझे संभालना पड़ा उधर. यहाँ पर रिपेल्स यूज होंगे ऑफकोर्स. रिपेल यहाँ पर है. रिपेल तो फिलहाल बहुत है मेरे पास. हाँ, पोकेबॉल्स. TM20 सेफ कार्ड मिला है मुझे. खैर मुझे तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है. ओ, यहाँ पर हिडन आइटम्स है. रॉस्ट बेरी, लम बेरी. यहाँ पर एक्चुअली कट एरिया होता है, इसलिए HMs नहीं गेम में लगता है. लेफा बेरी, दैट्स ओके. और यहाँ पर 4 बैटल है बैक टू बैक. लेट्स एंगेज इन द फर्स्ट वन. ये था एक इजी बैटल. एक और बैटल, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे अगेंस्ट एक अलोलन म्याउथ यूज हुआ इस बैटल में अभी. एक और बैटल, एक और इजी बैटल, लास्ट वन, एकदम इजी. ये डबल बैटल, पिकाचू एक सेकंड, फिर ठीक है. चलो मैं आया डबल बैटल करके. एक और इजी बैटल, एक साइंटिस्ट ने फिलहाल बैटल नहीं. एकदम इजी बैटल्स. ये भी सेकेंड लास्ट बैटल. मुझे भी लगता है ये साला फायर टाइप यूज करेगा. लेट्स सी. इजी, ये लास्ट बैटल बिफोर रीचिंग लैवेंडर. तो मैं स्विच करूंगा मेरे पिकाचू के साथ. एकदम इजी, कोई हिडन आइटम्स के चांसेस तो दिखाई नहीं दे रहे मुझे उधर. लैवेंडर टाउन में तो मैं आ चुका हूँ. सबसे पहले होंगे हिलअप्स और सबसे बातचीत. थैंक यू. अभी टेलीपोर्टर गर्ल के पास क्या है ऑप्शन, अभी भी नहीं आ रहा है सैफ्रॉन इसमें. डोंट नो व्हाई. पोकेमॉन टावर यहीं पर है. लैवेंडर टाउन, द नोबल पर्पल टाउन. डू यू बिलीव इन घोस्ट? यस. नो. पोकेमॉन टावर द बिकम द स्पिरिट्स ऑफ योर पोकेमॉन. ओके, फिलहाल मार्ट स्पीड्स देख लेता हूं मैं. वैसे बेचने लायक कुछ चीज है ही नहीं, सब मैं टाइम टू टाइम सेल करके रहता हूँ, तो इसलिए बेचने लायक तो कुछ है नहीं. यहां पर नेम रेटर है. यप, नेम रेटर. इधर क्यूबॉन. कैसे हो? लैवेंडर वॉलंटियर पोकेमॉन हाउस. छोटा सा पिकाचू क्या कर रहा है यहाँ पर? एक मिनट, इतना छोटा पिका तो मेरा भी छोटा ही से पिका, मगर कुछ नहीं मतलब. हे देयर बटरफ्ली, या तो मेरी बटरफ्ली हो. नहीं, मंथली ग्रैंड प्राइज ड्रॉइंग. ओके, कुछ है नहीं. लेट्स सी हम यहाँ पर जा पाते हैं कि नहीं. दिस ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड राइट नाउ, कम बैक लेटर. ओके, तो नहीं जा सकते. चलो फिर पोकेमॉन टावर में ही चलते. पोकेमॉन टावर फर्स्ट फ्लोर. ओ वरी सीड में मुझे कुछ नहीं सीखना भाई.
ओके यहाँ पर एक्चुअली राइवल बैटल होती है हमारी फायर रेड लीफ ग्रीन्स में। ओके मुझे को लगता है यहाँ पर भी ट्रेनर्स भी आएंगे और बैटल्स भी होंगे खतरनाक। ठीक है फिलहाल तो हम बाहर निकलते हैं फिर, क्योंकि इनफ जर्नी हो चुकी है आज के एपिसोड के लिए। तो फिर मैं क्या सोच रहा हूँ दोस्तों कि मैं जो पोकेमॉन टावर के अंदर अगर वो चैनलर्स चैलेंज कर रही है अगर हमको, तो मैं वो बैटल ऑफ स्क्रीन कर दूँ ताकि हमारा नेक्स्ट एपिसोड में टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसे भी मैं आपको बैटल दिखाता नहीं हूँ ऑन स्क्रीन, मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर देता हूँ वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग के वक्त, तो इससे अच्छा है मैं वो ऑफ स्क्रीन ही कर दूँ और सिर्फ कंटिन्यूएशन दिखाऊँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो। अगर ये आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट करो तो हाँ भाई चलेगा और बैटल कर दो ऑफ स्क्रीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो बैटल ही नहीं है तो मुझे ऑन स्क्रीन ही आपको दिखाना पड़ेगा मतलब उससे बात करके वगैरह। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार हम यही से कंटिन्यू करेंगे और हमारी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।